ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। देखिए जब हम एलसीएम लिए तो इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, क्वोशेंट हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, और एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस वन, एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस टू, एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स माइनस टू, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन ये बच जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स, ठीक है, माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स स्क्वायर, ये टू, यहाँ तक बात समझ में, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। अब इसका फैक्टर क्या होगा जी, ये देखिए इसका फैक्टर क्या हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो इसे हम देखेंगे, इसका डी निकाल के देखेंगे कैसा हो रहा है, डी क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा। देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू का हमने डी निकाला, तो डी निकाले तो देखे कि थर्टी थे, और ये क्या होगा, थ्री टू जा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, यानी ट्वेल्व आ रहा, यानी पॉजिटिव नंबर है, इसके दो रूट्स मिलेंगे। तो रूट हमने निकाला यहाँ पे एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर का फंक्शन निकाला ये अपॉन टू इंटू थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस माइनस ये देखिए रूट ट्वेल्व आ जाएगा यहाँ पे फोर एंड रूट थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, टू रूट थ्री अपॉन सिक्स आ जाएगा। तो देखिए सिक्स को यहाँ डिवाइड करेंगे प्लस यहाँ पे माइनस, ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है, सिक्स को इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन, अपने पास दो रूट हो जाएंगे एक्स के, वन प्लस वन बाय रूट थ्री एंड दूसरा हो जाएगा वन माइनस वन बाय रूट थ्री, ठीक है, तो दो रूट होंगे, तो इसका फैक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस वन माइनस वन बाय रूट थ्री इंटू एक्स माइनस माइनस वन इंटू माइनस वन बाय रूट थ्री अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। अब नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए नंबर लाइन पे करेंगे तो यहाँ पे वन जीरो टू हो रहा, अब ये वैल्यू क्या है, वन से ग्रेटर है बट टू से छोटी है, तो टू यहाँ पे आ गया और ये नंबर कहाँ आ गया, वन प्लस वन बाय रूट थ्री यहाँ आ गया। अब ये वैल्यू क्या, वन से छोटी है जीरो से बड़ी है, तो वन यहाँ आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा वन माइनस वन बाय रूट थ्री और यहाँ आ जाएगा जीरो। बात समझ में आई, तो दो रूट्स इधर आ, ये तीन फाइव रूट्स यहाँ पे हो गए आपके प्रोजेक्ट, यहाँ तक ये बात समझ में आई जी। हेलो सर, हेलो, हाँ जी बोलिए सर, सारा समझ में आ गया, बस ये नहीं समझ में आया जो सबने फर्स्ट स्टेप पे ना आपका, हाँ सर, ये प्लस में x इंटू x माइनस टू प्लस x इंटू x माइनस वन, हाँ सर ये नहीं समझ आया। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या आएगा, एक कोसेंट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। यस सर समझ आ गया, ये एक्स से नेक्स्ट वाला, ये वाला, यस सर ये दोनों, तो इसको अगर आप एलसीएम को इससे एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन बचेगा, यस सर, उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबका पावर क्या है, वन 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 वन, तो सबका पावर वन है तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव बैठा दो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, सर हाँ जी सर, थर्ड स्टेप बताना, ये वाला, यस सर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस सिक्स एक्स, ठीक है। अब हमने चेक किया कि इसका डी पॉजिटिव है या निगेटिव है,
डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसके दो रूट होंगे तो हमने रूट निकाल लिए, तो इसको फैक्टर में लिख दिया। बात आई समझ में? अब देखो यहाँ पे साथ में ये भी होगा कि x नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, x नॉट इज इक्वल टू वन होगा, x नॉट इज इक्वल टू टू होगा, ठीक है। अब हम कौन सा वैल्यू लेंगे? पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव यानी टू से ग्रेटर वैल्यू, यहाँ से इसके बीच की वैल्यू, फिर यहाँ से इसके बीच की वैल्यू, यानी x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, जीरो टू वन माइनस वन बाय रूट थ्री यूनियन वन टू वन प्लस वन बाय रूट थ्री यूनियन टू टू इंफिनिटी, ठीक है। या ठीक है जी, इसमें किसी को दिक्कत है? एक तो ना सर, ये यूनियन नहीं समझ आ रहा है। यूनियन मतलब देखो, ये भी आपका सोल्यूशन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी सोल्यूशन होगा, ये भी होगा एंड ये भी होगा, तो उसको ऐड कैसे करेंगे? तो यू लगा के, ओके सर, हाँ यू लगा दिया मतलब एडिशन हो गया, ठीक है। आप बोलते ना कि ये भी इसका सोल्यूशन होगा, तो उसको लिखने का एक क्या है, सिंबल है यू, ठीक है सर, ठीक है। तो कोई दिक्कत है इसमें? सर दो मिनट नोट कर लेने दो, एक छोटा सा रहेगा। हेलो, हाँ जी बोलो सर, मुझे लगा आप चले गए सर। नहीं नहीं मैं हूँ। हाँ जी देखिए जी, अब नेक्स्ट टॉपिक जो, हाँ जी बोलो सर। वन पीछे करना सर, वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री है, इंक्लूड नहीं होगा सर? क्यों इंक्लूड होगा जी, यहाँ पे कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन का है, इक्वल टू सिंबल थोड़े है। यहाँ पे कौन सा सिंबल है? सर नोट कर लेना, दूसरा आगे मत करना सर, ग्रेटर देन है तो फिर इंक्लूड होगा। इंक्लूड कहाँ होता है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू हो तब। सर ये तो कल वाला ही है सर क्वेश्चन, मुझे लगता है सर। हाँ जी हाँ जी, इनको डाउट था, इन्होंने क्लास छोड़ दिया था तो इसलिए मैंने रिपीट किया। ओके सर, फिर तो किया हुआ सर। ओके सर, आज देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। अब देखिए y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे क्या है कि a नॉट इज इक्वल टू जीरो है एंड a कमा b कमा c बिलोंग टू रियल नंबर। कोई दिक्कत थी? नो सर। नो सर। और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, दिस ग्राफ टेक्स अ शेप ऑफ पैराबोला, शेप ऑफ पैराबोला। हाँ जी सर, ये पैराबोला की क्वेश्चन है। हाँ जी, ये पैराबोला की जैसा है। अब देखिए कैसे है पैराबोला के, ये हम देखते हैं। इसको मैं आपको सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए y इज इक्वल टू, अगर हम एक कमल ले लें यहाँ से, ये कैसा बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए, ऐसा बन जाएगा जी, ऐसा बन जाएगा ना, ठीक है। yes, sir. तो y इज इक्वल टू ये बन जाएगा, ये देखिए y, अगर देखिए अगर हम इसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा दें, 2a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए, जिसके थ्रू हमने डिराइव किया था, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखिए ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए
क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए, ऐसा बन जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताएं, क्योंकि ये मैंने और पहले ये कर चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, इसको सर हेलो। हाँ जी बोलो सर, यहाँ आइडेंटिटी बनाई है सर ये। हाँ जी, एक आइडेंटिटी मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर, और देखिए अगर यहाँ पे सी वाला लेते हैं पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर सी ए माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस फोर सी ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और ये ए इधर आ जाएगा, ए को यहाँ लाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए थोड़ा सा, तो y इज इक्वल टू हमने ऐसा लिखा a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस b प्लस कर दो सर। हाँ जी, ये देखो फोर सी ए, सर बाद में कर देना सर, इक्वेशन लिखा कर सर, फिर नोट कर लेंगे। y इज इक्वल टू a एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस फोर सी ए माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से a से मल्टीप्लाइड होगा यहाँ, तो ये फोर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू जो होगी फोर ए बन जाएगा। ठीक है, फोर ए बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस फोर सी ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। कोई दिक्कत जी इसमें किसी को, किसी को दिक्कत? सर पीछे करना है एक बार। अरे आता हूँ पीछे मैं, पहले आप समझो, नोट करना। समझ नहीं है तो मैं समझा रहा हूँ ना, रिपीट करूंगा ना मैं। अरे मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं रिपीट एक एक चीज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर इस वाले चीज को हम, अब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, ठीक है, अगर ये वैल्यू इधर लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस, ये देखिए यहाँ पे y माइनस, ये देखिए फोर सी ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए इजक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है? ठीक है, नो सर। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ से माइनस कमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये अगर इससे माइनस कमन लेते थे बी स्क्वायर माइनस फोर सी ए अपॉन फोर ए बन जाएगा। देखो तो ये देखिए, ये अगर हम माइनस यहाँ से कमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ जी, यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले ये देखिए जी, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? आ गई समझ सर। नहीं सर, हेलो। हाँ जी, देखो सर ये समझा दो सर, मेरा सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी सर। यहाँ पे ये तो चीज पहले हमने करवाए थे ना, ये वाली, यहाँ तक कोई थी को दिक्कत है? हमने टू लिया, टू से x आइडेंटिटी हमने प्लस b स्क्वायर बनी, प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। हाँ, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया यहाँ तक ले, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हमने ऐसा क्यों लिखा मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी अपॉन फोर ए हो जाएगा ऐसा, और ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ये बात समझ में आई? ये देखिए यहाँ इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, ये अब देखिए ये किसका टेप है, ये देखो अगर इसको हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करें और इसको ए, और इसको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर फॉर्म बनेगा,
और y इज इक्वल टू x स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये क्या कर दिया सारा? हमने इसको y को रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया x प्लस बी वाई को x कैपिटल x से कर दिया, तो ये क्या होगा एक पैराबोला का शेप हो गया। आपने पढ़ा होगा पैराबोला का शेप, ठीक है नोट कर लें सर, नोट कर लें सर, सर चले गए। हाँ जी बोलिए। हेलो सर बैक पेज कर दो सर, बैक पेज सर एक मिनट सर, ये नोट कर लें तो पहले एक मिनट खड़ जा एक सर बैक पेज पहले तुम नोट करना, हम सब पीडीएफ भेजते हैं, क्यों परेशान रहते सर पीडीएफ? अरे टाइम ही नहीं मिलता सर लिखने का, तो अभी लिख लेंगे। अरे तू पहले समझ तो लो, बताओ सर। मैं ये बता रहा हूँ कि एक पैराबोला का आप लोगों ने नाम सुना है? यस सर। तेईस पैराबोला जो मैं बता रहा हूँ इसका शेप ऐसा होगा, ठीक है? जो मैं इस पैराबोला को मैं बता रहा हूँ वाई इज इक्वल टू, ठीक है y is equal to a x square का shape ऐसा होगा, लेकिन हमारा पैराबोला ये है, इसको हम आगे समझते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे जाएगा अगर okay, यहाँ तक समझ में आया उसको मैं बताता हूँ, ठीक है? और ये समझ सर आपने y को a x square कैसे बना दिया सर? ये पूरे लेट की ताय है, पूरे वैल्यू को हमने कैपिटल x लिया और पूरे इस वैल्यू को कैपिटल y लिया, क्योंकि आप इतना समझ में कि y is equal to ax square। अब क्या होगा, ओरिजिन इसका शिफ्ट हो जाएगा, ये कहां पे जीरो होगा, ये कहां पे जीरो होगा, वो हम देखते हैं। यहां तक समझ में आया कि ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट अ पैराबोला, यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है? हाँ जी कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो अगर पैराबोला अगर ये हमारा, हाँ जी बोलो सर। अरे एक मिनट मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, डोंट वरी। हाजी मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर d बाई, एक मिनट रुक जाए पहले ये समझ ले फिर मैं टाइम देता हूँ आपको। ये हमें एक पैराबोला का रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये ऐसा पैराबोला है कि अगर हम इसको जीरो करेंगे यानी y प्लस डी बाई फोर ए को जीरो करें, हमारा वर्टेक्स कहाँ मिलेगा ये बता रहा हूँ। ये जीरो यानी y इज इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए पे हमारा वर्टेक्स मिलेगा, ठीक है? और ये कहाँ पे जीरो होगा, x प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे जीरो होगा। यानी देखिए यहाँ पे जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स जो है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं जीरो कमा जीरो है, लेकिन इसका वर्टेक्स क्या है माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस बी बाई फोर ए, तो इसका वर्टेक्स ये हो जाएगा। यानी ये जो पैरा अगर ये देखिए ये हमारा क्या है पॉजिटिव है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये हमारा पैराबोला बनेगा ऐसा, ये हम ऐसा, तो ये पैराबोला है, ये जो पैराबोला है ऐसा बनेगा, और ये जो पॉइंट वर्टेक्स जो होगा माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस बी बाई फोर ए होगा, ठीक है? अब यहाँ पे ए अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसा होगा, तो ये पैराबोला ऐसा होगा कब, जब ये, और भी चीजें हमें बतानी है। देखो ये जो पॉइंट होगा इस पैराबोला का यानी कर्व का, ये हमारा मिनिमम पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर ये डिपेंड करता फिर मैं सर, हाँ जी बोलो सर। ए कहाँ पे गया, आपने y प्लस डी अपॉन फोर ए का तो जीरो कर दिया, ये हमारा क्या है मल्टीप्लाइड में ना, अगर ये जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो फिर इसको हमने जीरो किया तो ये क्या हो जाएगा? हाँ जी एक टाइम पे आपने y वाले को जीरो किया, दोनों को एक साथ जीरो किया, y भी जीरो किया इसको भी जीरो किया, कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है? यहाँ पे दोनों जीरो हो रहे हैं, x भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है कि नहीं? तभी तो यहाँ से कट कर रहा पैराबोला, ठीक है? यहाँ पे वही चीज किया, इसको भी जीरो किया, इसको भी जीरो कर, ये जीरो कहाँ हो रहा माइनस डी बाई फोर ए पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा माइनस डी, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस डी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, ये हमारा इस पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। ये क्या होगा पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। अब देखो अब ए पे डिपेंड करेगा कि पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ए अगर पॉजिटिव होगा तो पैराबोला, देखिए यहाँ पे क्या है आपने ये देखा होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ,
इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ पढ़ा होगा अभी फिजिक्स में, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ये निगेटिव साइन है, यानी y टोटल निगेटिव होगा या y टोटल क्या है? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो ग्राफ क्या नहीं समझ में आया? हाँ जी बोलिए, क्या नहीं समझ में आया? सर दो पेज पीछे समझ हेलो सर। हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ जी अर्थ क्या दिक्कत है सर? बैक पेज। हेलो हाँ जी बोलिए। यहाँ तक कोई देखो फर्स्ट पेज में किसी को दिक्कत है? यहाँ पे किसी को दिक्कत है? वाई ठीक है? नो सर। इस पेज पे किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। नो सर। हाँ जी नोट कर लो। हाँ जी सर पहले वाला क्या सर? पहला पेज सर जहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट किया सर आपने? अभी तो मैंने दिखाया था ना ये डेरिवेशन, ये पहला पेज। यस सर दिखाया था। सर एक मिनट सर, नोट कब करेंगे सर? यहाँ तक ये समझ में आया? यस सर। ये यहाँ तक ये समझ में आया? हाँ यहाँ तक समझ में आया सर? सारा समझ में आ गया। हेलो सर। हाँ जी बोलो सर। जो फर्स्ट स्टेप है ऊपर ए काटती है, वो ए कहाँ से आई है? ये नहीं दूसरी साइड, ये ए से। हाँ। देखो यहाँ पे क्या था, ये पूरा कंप्लीट हमने यहाँ पे कमन लिया था ये, और ये इन साइड थे तो ठीक है। अगर ए को हम मल्टीप्लाइड करेंगे इसके साथ ठीक है? अच्छा, मतलब सारे के साथ ए तो ये मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसके साथ ए आ गया और इसके साथ ये आ गया ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक एक कैंसिल हो गया। देखिए जी यहाँ तक कोई दिक्कत है कि पैराबोला हो गया ठीक है? तो देखो यहाँ पे पैराबोला का अब कितने ग्राफ बनेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ठीक है? देखिए अब हमारे पास पैराबोला बन गया। अगर केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट अगर a ग्रेटर देन जीरो है एंड d ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो है d ग्रेटर देन जीरो है, देखिए देखिए तो हमारा क्या होगा? कितने रूट्स मिलेंगे? दो रूट्स मिलेंगे। कितने रूट्स मिलेंगे? दो रूट्स मिलेंगे। और पैराबोला कैसा होगा? ऐसा होगा। पैराबोला का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। और ये पॉइंट क्या होगा? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होगा ठीक है? माइनस ओके सर ठीक है। अब देखो अगर ये कर्व ऐसा है ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई, ये ऐसा है और साथ में ये बोला जा रहा है ये अल्फा होगा ये बीटा होगा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर ये कर्व हमारा ये जो a पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी इस पूरे फंक्शन की, इस पूरे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी y मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस डी अपॉन फोर ए। क्या होगी? माइनस डी अपॉन फोर ए। इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू यानी ये जो मैं लिखा हूँ y की जो वैल्यू होगी, यानी ये जो ग्राफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस डी बाई फोर ए होगा, बट मैक्सिमम वैल्यू हम इन्फिनिटी होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। क्यों इन्फिनिटी होगा ये बताना एक बार सर, लॉस्ट हो गया सर। पूरा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए केस फर्स्ट ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो, ए पॉजिटिव होगा तो कर्व हमारा क्या होगा? ओपन अपवर्ड होगा। क्या होगा? ओपन अपवर्ड होगा और इसके दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, और इसका वर्टेक्स जो होगा माइनस बी बाई टू ए कमा माइनस डी बाई फोर ए होगा। और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अब देखिए, मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन फोर ए होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अब देखिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि ये जो फंक्शन है वाई की वैल्यू इसके नीचे जा नहीं सकता, ये ग्राफ इसके नीचे नहीं जा सकता। ये कहाँ पे पॉइंट पे ये कर्व ट्रेस मुड़ रहा है? यही पॉइंट पे नहीं, यही इसका वर्टेक्स है यानी यही इसका मिनिमम पॉइंट है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यानी x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? y मिनिमम वैल्यू कब देगा? माइनस बी बाई टू ए पे देगा।
और कितना देगा माइनस डी बाई फोर एफ ए। अगर कोई ऐसा ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए होगी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे। इसी पॉइंट पे हमें ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा अदर पॉइंट अदर एक्स की कुछ और वैल्यू लेंगे तो उस पर हमारी वैल्यू कुछ और मिलेगी। अब बात आती है कि मैक्सिम ये कर्व ऊपर चला जा रहा है, इसके नीचे जो जा नहीं रहा ऊपर। अगर एक्स की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे वाई की वैल्यू, एक मिनट, वाई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू वाई की क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। हाँ जी आप बोलो। हाँ जी सर, एक कर्व जो ये पॉइंट लगाया आपने ब्लैक, हाँ जी सर, कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में है? ये हमारा इसका वर्टेक्स है इस कर्व का। ओके, ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन, डिपेंड्स ऑन द ये कर्व, ठीक है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन। हाँ जी, जब भी देखिए मैक्सिमम का मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इस ग्राफ की वैल्यू, ये जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ये इसकी मैक्सिमम है, यानी ये वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ड्रॉ दी, देखो कह रहा है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व एंड फाइंड, क्वेश्चन करते हैं, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑफ एक्स वेयर वाई इज पॉजिटिव, वेयर वाई इज पॉजिटिव, ठीक है। वाई को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कौन सी वैल्यू पे हमारी वाई पॉजिटिव होगी ये हमें बताना है। तो देखिए हमारा पे कर्व क्या दिया हुआ है, ये हमारा कर्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। तो इस अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए ध्यान से। हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, इसका d निकालिए। d क्या आ रहा है जी, सेवन का स्क्वायर माइनस फोर, ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, यानी कर्व ओपन अपवर्ड होगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस सेवन का स्क्वायर फोर इंटू सेवन, क्या वन आ गए सर, यानी दो रूट्स होंगे, इसके दोनों रूट्स हम पता कर सकते हैं क्या होगा, एक रूट हमारा थ्री होगा दूसरा रूट फोर होगा, यानी एक रूट यहाँ थ्री होगा दूसरा रूट फोर होगा, हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अब ये मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा। ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई टू ए होगी, माइनस बी बाई टू ए, यानी बी की वैल्यू क्या है माइनस सेवन है और ए की वैल्यू क्या है टू इंटू वन, तो माइनस सेवन, यानी माइनस सेवन बाई टू, यानी क्या हो जाएगा प्लस सेवन बाई टू हो जाएगा, और माइनस डी बाई फोर ए यानी वन अपॉन फोर ए माइनस डी, ठीक है, माइनस डी बाई फोर ए हो गया, यानी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो वाई की वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए की वन बाई फोर। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेवन कमा टू माइनस वन बाई फोर, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ में। बात आई समझ में, तो ये फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके सर, ठीक है। अब बात करता है कि वाई इज पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, हाँ जी सर, माइनस वन अपॉन फोर डी वाले फॉर्मूले से है, हाँ जी हाँ जी, माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी बाई फोर ए, कोई दिक्कत है जी? हेलो सर, हाँ जी सर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर, हाँ जी, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है कहाँ लाई कर रहा है, सेवन बाई टू माइनस फोर बाई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है। अगर ये पॉइंट ऊपर आता तो कर्व ऐसा होता, ठीक है। और थ्री का मा फोर कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, फर्स्ट, ठीक है। अब बोल रहा है ये क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई पॉजिटिव होना चाहिए, वाई पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू, तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज ग्रेटर देन जीरो, क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो,
नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टू इन्फिनिटी 3 टू माइनस इन्फिनिटी, यानी x कहाँ से कहाँ लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, यानी इसमें जब माइनस 3 से छोटी वैल्यू 4 से बड़ी वैल्यू लेंगे तभी हमें पॉजिटिव मिलेगा। देखिए यहाँ ग्राफ में ये ग्राफ पॉजिटिव कब है, जब 4 टू इन्फिनिटी, देखो 3 टू 4 में ये ग्राफ क्या है निगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे वाली वैल्यू क्या होती है निगेटिव होती है, देखो तो यस सर, और इधर क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर ये पार्ट पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी 3 टू वाई, ये ग्राफ से भी हम देख सकते थे लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि आपको समझ में आए कि जो ग्राफ और क्या है दोनों सेम चीजें हैं। ओके थैंक यू सर। वाई पॉजिटिव किधर है ये देखिए 4 टू इन्फिनिटी और 3 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 3 में वाई पॉजिटिव है, 4 टू इन्फिनिटी में वाई पॉजिटिव है, बट 3 टू 4 में वाई क्या है निगेटिव है। ये समझ में आया, हेलो ये समझ में आया, अभी भी इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। तो नेक्स्ट को नेक्स्ट केस पढ़ें, केस 4, केस सेकंड ही, केस सेकंड। सर नंबर लाइन दिखा देते सर। देख लो। हाँ जी केस सेकंड। सर ये समझाना सर। सर ये सीधे ही कर देते हैं हम सर। एक माइनस थ्री, एक माइनस फोर है और सबका पावर 1 है तो क्रिटिकल पॉइंट निकाले 3 और 4 हो गया, ठीक है, और अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव लगा दिया, वे बीकर मेथड, ठीक है जी, कोई दिक्कत है अभी भी? ठीक है सर। अब देखिए केस सेकंड में बोल रहा है कि अगर ए जो है ग्रेटर देन 0 होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी इज इक्वल टू 0 तो बोथ रूट्स क्या होंगे, किसको टच करेगा एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए एंड वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा जी, ठीक है वाई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी वाई जीरो हो जाएगी, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बात और, तो यहाँ पे y मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ भी y मिनिमम होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, y मिनिमम की वैल्यू क्या होगी जीरो, y मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो क्या आएगी इंफिनिटी, तो जब भी a इज ग्रेटर देन जीरो होगा इज इक्वल टू जीरो होगा तो x कहाँ पे जीरो होगा माइनस बी बाई टू ए पे, ठीक है, और इसके रूट तो दोनों पॉजिटिव होगा और x एक्सिस को कहाँ टच करेगा x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे। अगर कोई बोलेगा कि ये एक ऐसा कर्व है जिसके बोथ रूट्स इक्वल हैं, तो ये बताएं कि x एक्सिस को कहाँ टच करेगा x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे, और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी y इक्वल टू जीरो, ठीक है y इक्वल टू जीरो, तो मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, कोई दिक्कत जी इसमें? नो सर। ठीक है केस नेक्स्ट केस करते हैं, केस नंबर 3। पहला पेज तो दिखाना, केस 3 में देखिए इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन 0 होगा तो हमारा कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा क्यों बनेगा भाई, ये x एक्सिस को नाइट टच करेगा सर, 0 से बड़े हैं दोनों सर, केस 2 के 3 है, केस 3 है, 3 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे भी पॉइंट होगा माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर ए, ये पॉइंट होगा, तो यहाँ पे भी वाई की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होगी, वाई की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी माइनस डी बाई फोर ए होगी और वाई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी होगी। हाँ जी बात समझ में आई है? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें जी किसी को? नो सर। अच्छा ये था, मैंने ये ग्राफ ऐसे बनाया, इसका मतलब नहीं है इधर भी जाएगा, ये पूरा ऐसे जाएगा, समझने के लिए है जी, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत है, एक क्वेश्चन करें इस पे? यस सर। एक छोड़ो दो कर लो, फाइंड
रेंज फाइंड रेंज ऑफ के फॉर विच ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के लाइज कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ में आपको ये क्वेश्चन को समझना होगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे सीधे बोल रहा है क्वेश्चन लाइज अबव कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस। इससे आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ क्या है, ये कर्व क्या है, कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये समझना होगा आपको क्वेश्चन को समझ के। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगा कि उसका डी इमेजिनरी है। देखिए यहाँ पे इससे पता नहीं चल रहा है कि डी इमेजिनरी है या रियल है। बात आ रही समझ में जी? यस सर। क्वेश्चन में ये बात बोली गई है या ऐसा कुछ बोला रहेगा जिससे हमें सर्च करना पड़ेगा, पता लग जाएगा। तो ये अब देखिए कंप्लीटली तो ए हमारा यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में देखिए ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी कर्व और कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ के। रेंज मतलब क्या होगा, इसके लिए हमारा डी लेस देन जीरो होगा कि नहीं। ये कर्व ऐसा बन गया अबव द एक्स एक्सिस है एंड ए पॉजिटिव है, तो डी हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। अब इसका डी निकाल लिए, डी क्या हो जाएगा, 9 - 4 × k < 0, यानी 9 - 4k = 0, तो 4k - 9 = 0। तो ठीक है, 4k > 9, यानी k = 9/4। k की वैल्यू क्या हो गई, 9/4 से ग्रेटर हो गई। बात समझ में आई जी? यानी k बिलोंग्स टू 9/4 टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो गया। क्या समझ नहीं आया सर? क्या नहीं समझ में आया, आप हमें बताइए, पूछिए हमसे। ये क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर विच ग्राफ दिस। ये ग्राफ क्या कर रहा है, अबव द लाई द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करें, यानी कर्व है। क्या ये 3 के इक्वल जैसा है सर, ये तो पता चल गया सर। हाँ, तो फिर तो उसमें क्या होता है, जब अबव एक्स एक्सिस होगा और ये हमारा पॉजिटिव है, तो कर्व ऐसा होगा, यानी डी इसका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब समझ में आ गई बात? यस सर। केस फोर्थ देखते हैं सर, कितने केस दर्ज हुए हैं अदालत में? हाँ जी बोलो सर, कितने केस हैं इसके? 6 केस होंगे। बस यही करेगा, इफ ए इज लेस देन 0 एंड डी इज ग्रेटर देन 0। If a less than 0 होगा and d greater than 0 होगा, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, कर्व कैसा होगा जी, a negative होगा और d greater than 0 होगा, x-axis के थल्ले, कर्व ऐसा बनेगा जी, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ऐसा कर्व बनेगा, ये अल्फा होगा ये बीटा होगा। अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये हमारी होगी, यहाँ पे भी ये -b/2a एंड -d/4a होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ये जो पॉइंट होगा वर्टेक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टेक्स, वर्टेक्स जो होगा -b/2a एंड -d/4a होगा। अब बताइए कि y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू ax2 bx + c है, तो y की यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, y की हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि y यहाँ से नीचे की ओर तरफ जा रहा है, ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा मैक्सिमम, नीचे की तरफ y क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव यानी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, -∞। तो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या होगी, -d/4a। यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4a। y मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -∞, जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए -∞ बोल दिया। बात समझ में आई?
ये पॉइंट हमें आपको समझ में आया, यहाँ पे ये टर्न करेगा ये ग्राफ, ये हमारा वर्टेक्स। ओके सर। और इसमें किसी को दिक्कत है जी? नो सर। आ गया समझ में? यस। ठीक है ठीक है। केस फिफ्थ देखते हैं जी। बस सर, बस पांच मिनट सर्कल करवा देना आज के लिए। बस बस पांच मिनट, बस थोड़े से टाइम। ठीक है, हम पहला पेज एक मिनट में कर दूंगा सारे पेज, वेट करो अभी। सर पीडीएफ कर देना। यस सर, पीडीएफ ही कर देना आप सर। वाई मैक्सिमम की वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए होगी, वाई मैक्सिमम की वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए होगी यहाँ पे केस फोर्थ में। हाँ जी बोलो जी। सर पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ जी सेंड कर देता हूँ। ये देखिए, इफ ए इज लेस देन जीरो एंड डी इक्वल टू जीरो तो हमारा कर्व कैसा होगा? कर्व ऐसा होगा, टैक्सिस ये होगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट होगा माइनस बी बाई टू ए एंड जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा हो जाएगा यानी वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है देखिए माइनस बी बाई टू ए है तो वाई की हमारी कौन सी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस बी बाई टू ए, सॉरी माइनस डी बाई फोर ए। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस डी अपॉन फोर ए, ये इक्वल टू जीरो होगी। वो अलग की बात है, तो माइनस डी बाई फोर ए होगी यहाँ पे मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस इंफिनिटी। एक्स सर क्या होगी? सर वाई मिनिमम हमारा जीरो होगा यहाँ पे। हाँ जी, जब डी इज इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स क्या होगी सर? कितनी वैल्यू? एक्स माइनस बी बाई टू ए होगा, एक्स यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए। ओके सर, किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है, लास्ट केस है। ठीक है, बच्चे कम नहीं आए हैं? तुमने बच्चों से अंडे लेने हैं? केस सिक्स देखिए, इफ ए इज लेस देन जीरो एंड डी इज लेस देन जीरो। देखिए ए इज लेस देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो तो क्या हो जाएगा जी? कर्व कैसा बनेगा? नाइदर टच नाइदर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ऐसा बन जाएगा। ये हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई टू ए कमा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस डी अपॉन फोर ए, एंड वाई मिनिमम तो वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी, वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है जी यहाँ तक किसी को? ठीक है हाँ जी। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दो मिनट लगेगा, उसे भी आप लोग देख लीजिए नोट करके। आपको देख लेंगे सारा, दो मिनट बस दो मिनट। देखिए यहाँ पे पहला जो पॉइंट है मैं लिखवा दे रहा हूँ। पहला जो पॉइंट होगा कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड ए कमा बी कमा सी बिलोंग टू रियल नंबर इज पॉजिटिव For all x belong to R, if a is greater than 0 and d is less than 0, case third है जी, ये ध्यान से देखिए। case third बहुत important मैंने चीज यहाँ पे लिखी है कि the quadratic expression ax square bx plus c where a is greater than 0 and a comma b comma c comma belong to real number is positive for all x belong to R if a is greater than 0 and d is less than 0. अगर a greater than 0 है, d less than 0 है, तो जो curve होगा, function होगा, हमेशा positive होगा, कभी negative नहीं होगा। means इसका मतलब है, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ है ax square plus bx plus c is greater than 0
और साथ में बोला गया कि a greater than 0 है एंड ऐसा लिखा गया है और बोला जा रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग टू r है मींस अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि a greater than 0 है एंड d less than 0 है तभी ये पॉजिटिव हो सकता है अदरवाइज नहीं हो सकता है। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई? हाजी पॉजिटिव केस में y मैक्सिमम, हाँ y हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस डी बाई फोर से हमें नहीं डरना है। ये देखिए केस फोर के जो ये पॉइंट होगा ये y मैक्सिमम की वैल्यू माइनस डी बाई फोर ही होगी। ठीक है, मैं एक बात बता दे रहा हूं कि जब भी a लेस देन जीरो होगा तो y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो माइनस डी बाई फोर होगी। जब भी a पॉजिटिव होगा तो y की मिनिमम वैल्यू होगी जो माइनस डी बाई फोर होगी। लास्ट पॉइंट इसमें का देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट टू, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर इज निगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर इफ ए इज लेस देन जीरो एंड डी इज लेस देन जीरो। केस सिक्स, ये केस सिक्स हो गया। यानी अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इज ऑलवेज निगेटिव है, यानी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज निगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर मीन्स इसका मतलब है कि ए इज लेस देन जीरो है एंड डी भी लेस देन जीरो है। ठीक है, ऐसा है सर, x के पीछे सर x बिलोंग, हाँ जी बोलिए सर, ये सर ax square plus bx plus c is smaller than a zero and सर उसके बाद क्या डाला सर, ये पुट्ठा है for all x belong to R, इसका मीनिंग है, ये सिंबल का मीनिंग है for all x, इसको for all x पढ़ते हैं। ठीक है, यानी आप देखिए, हाँ जी बोलो सर, बैक पेज करना सर, कौन सा पेज ने, हाँ जी सर ये कल को समझा देना सर, अब नेट कनेक्शन नहीं, अभी समझ लो, अभी कहाँ पे दिक्कत है आप बताओ, किस पॉइंट में दिक्कत है बोलिए, तो बार बार किस पे तो भी नहीं समझाया सर, क्या फर्स्ट वन ये समझ नहीं आया सर, ये नहीं समझ में आया, फर्स्ट भी नहीं समझाया सर, ये फर्स्ट समझ में नहीं आया, ये क्या लिखा हूं मैंने कि द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, अगर कहीं ऐसा लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो है, इसका मीनिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर बोल रहा है, इसका मीनिंग है कि ये पॉजिटिव है एंड डी लेस देन जीरो है, ए पॉजिटिव है एंड डी लेस देन जीरो है, इसका मीनिंग ये है। अब बात समझ गए? ठीक है, अब अगर कहीं बोला जा रहा है, ये देखिए, अगर कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज निगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, अगर बोला जा रहा है कि एक्सप्रेशन हमेशा निगेटिव है फॉर ऑल एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, अगर एक्सप्रेशन निगेटिव है इसका मतलब है कि ए भी निगेटिव है और इसका डी भी निगेटिव है। सर ये उल्टी है, क्या है सर ये, फॉर ऑल इसका ये एक सिंबल है ऐसा, इसको बोलते हैं फॉर ऑल के लिए यूज होता है। ठीक है, बस बहुत है सर, क्या बाय सर, हाँ जी बोलो सर, एक्स की किसी भी वैल्यू पर ये जीरो लेस देन होगा ना, जीरो से ये जीरो से छोटा ही है तभी ये है,
अगर जीरो से नहीं छोटा होता तो ये नहीं होता है कंडीशन। एक्स की कोई भी वैल्यू से, एक्स की सारी वैल्यू के लिए ऑलवेज नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए कमा बी कमा सी बिलोंग टू रियल नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स आर, ऑल एक्स बिलोंग टू आर। अगर एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये फंक्शन निगेटिव है, इफ कब, जब ए लेस देन जीरो होगा एंड डी लेस देन जीरो होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जीरो है तो उसको दो रूट्स मिलेंगे, ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्या दिक्कत है जी। वो भी केस देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस को टच किया है, एक्स एक्सिस को टच किया तो डी यहाँ पे क्या है जीरो है, तभी एक्स एक्सिस को टच किया, यानी बोथ रूट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को डी जीरो होगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। और कोई डाउट जी? नो सर। बहुत है सर आज के लिए, सर आज के लिए बहुत है, 12 मिनट सर कल, यस सर बहुत है, पे कहा था 5 मिनट लगेंगे सर, अब तो 3:12 हो गए सर, 5 मिनट एक्स्ट्रा। अच्छा मैंने टाइम